Hi, good morning children. How are you? I welcome you all in my online classes. ठीक है. In my previous video, I taught you classified advertisement. ठीक है. Classified advertisement के अंदर we discussed up to missing. Which category of classified advertisement did we discuss? Missing persons and pairs. ठीक है. In today's video, we are going to discuss next point, that is lost and found. All right. See. Lost and found. All right. How to draft an advertisement? ठीक है. And what details are required to write such kind of advertisement? ठीक है. तो देखिए details required देखने सबसे पहले. Which details are required? सबसे पहले begin with the identifying yourself. ठीक है. Begin with identifying, identifying. ठीक है. Yourself. ठीक. अगला जो पॉइंट है आपका वो है देखिए स्पेसिफाई द आइटम लॉस्ट फाउंड. स्पेसिफाई द आइटम लॉस्ट फाउंड. ये लाइन है ठीक है. स्पेसिफाई द आइटम लॉस्ट फाउंड. ठीक है. गिविंग इट्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. क्या करना है आपको गिविंग इट्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. राइट. अगला है व्हेन वेयर लॉस्ट फाउंड. ठीक है. यानी टाइम व्हेन वेयर लॉस्ट या फाउंड जो भी हुआ था. ठीक है. अगला पॉइंट है आपका रिवार्ड इफ एनी. होता ही उसमें भी था रिवार्ड इफ एनी अगर कोई हो तो. ठीक है. अगला है कॉन्टेक्ट एड्रेस. फोन कॉन्टेक्ट एड्रेस. ठीक है. इसमें क्या डालते हैं जनरली मोबाइल नंबर. ठीक है. अगर कोई मेंशन करना चाहे तो ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकता है. ऑलराइट. तो चले देखिए एक एग्जांपल हम आपको करके दिखा देते हैं. ठीक है. देखिए दो तरीके हैं. एक थोड़ा सा शॉर्ट है और दूसरा थोड़ा सा लॉन्ग. ठीक है. दोनों को आपको बता दिया जाएगा. ठीक है. अब आपको जो पसंद आए वो आप कर लेंगे. ठीक है. देखिए पहला है आपका आई मुकेश सन ऑफ डाल दो. आई मुकेश सन ऑफ सुरेश हैव लॉस्ट माय एडमिट कार्ड. I Mukesh son of Suresh have lost my admin card somewhere in Karol Bagh.
कंट्री. ऑल राइट, ये हो गया फाइंडर. ओके रहेगा फाइंडर विल बी अवॉर्डेड. क्या किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा फाइंडर को. ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब क्या बचा, अगला क्या लाइन है, अगली लाइन आपकी बच गई थी बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइंडर में कॉन्टैक्ट क्या कर सकता है. ठीक है, द पर्सन हु फाइंड्स मे कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर डाल दो. ठीक है, ये हो गया आपका लॉस्ट एंड फाउंड. ठीक है, यानी सबसे पहले क्या आ गई आपकी हेडिंग आ गई, ठीक है, उसके बाद में हमने ये किया. ऑलराइट, एक पेज तरीका है, इसमें क्या किया हमने, नाम भी मेंशन कर दिया. ठीक है, ऊपर ही नाम आता है, आई एम पेशेंट ऑफ सुरेश, हैव लॉस्ट माय एडमिट कार्ड समवेयर इन करोल बाग न्यू दिल्ली ऑन दिस डे. ठीक है, फाइंडर विल बी अवॉर्डेड द पर्सन हु फाइंड्स मे कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर डाल. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, एक और तरीका देखिए, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसको रफ कर दूं मैं. ये ध्यान रखना बॉक्स का, मैंने कभी बताया था आपको, मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ. ठीक है, आपको थोड़ा बढ़िया बनाना है, अच्छा सा बनाना है. ऑलराइट, आप इतनी जल्दीबाजी में मत करना. कैसे लिखेंगे, लॉस्ट ऑफ ब्लैक लेदर जेंट्स वॉले, क्या लिख दिया, लॉस्ट, क्या लिख दिया, लॉस्ट. तो देखिए यहां पर लॉस्ट ब्लैक लेदर क्या ब्लैक लेदर बताइए, वॉलेट या बैग बताइए, ब्लैक लेदर जेंट्स वॉलेट. ठीक है, लॉस्ट अ ब्लैक लेदर जेंट्स वॉलेट इन, कहां पर, इन सरोजनी नगर. न्यू दिल्ली. ठीक है, सरोजनी नगर न्यू दिल्ली. इतना समझ आया, इसको थोड़ा साफ लिखना है, क्योंकि कंफ्यूज है कि ये क्या लिखती है. सरोजनी नगर न्यू दिल्ली. ऑलराइट, अब देखिए, इट कंटेन्स कर सकते हैं. ठीक है, इसमें थे, ठीक है,
या फिर इसमें है ये भी कह सकते हैं, बट अभी वहां से चला गया तो आप एक कंटेंट कर दो, एक कंटेंट कैसे हो भी साधारण भाई, आधार कार्ड ठीक है, वोटर आईडी, माय एग्जामिनेशन हॉल टिकट है ठीक है, ये तो इतने सारे तो क्या है इसमें डॉक्यूमेंट है ठीक है। फाइंडर विल बी सूटेबल इन अवॉर्ड, फाइंडर का क्या होगा, फाइंडर विल बी सूटेबली अवॉर्डेड ठीक है, सूटेबल उसे क्या दिया जाएगा, अवॉर्ड किया जाएगा ठीक है, अवॉर्ड नहीं यहाँ पर रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड ठीक है, आप पहले वाले में भी वही कर देना ठीक है, सूटेबली रिवॉर्डेड ठीक है। कॉन्टैक्ट मुकेश, मोबाइल नंबर ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा वाला ठीक है, दिस वे फिर से कह रहा हूँ ये थोड़ा अच्छा बना देना ठीक है बेटा, ये आप अच्छे से बनाना राइट। लास्ट ब्लैक लेदर जेंट्स वाले इन सरोजनी नगर न्यू दिल्ली, अच्छा इसमें एक चीज मिसिंग है बताइए क्या, ऑन डालते हैं ऑन नगर न्यू दिल्ली कब, ऑन 25 जुलाई 2020 क्या था, मंडे डाल देता हूँ ठीक है, क्या था 25 जुलाई बताइए जरा, 25 जुलाई क्या था, जैसे कि आज क्या है, आज है आपका थर्सडे ठीक है, थर्सडे आज तो 25 को क्या रहा होगा, 25 को मंडे ही होगा शायद, नहीं मंडे नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ आपको 25 को क्या रहा होगा, कौन सा डे होगा 25 को, 31st फ्राइडे एंड सेकंड सैटरडे, 25 को सैटरडे होगा, क्या होगा सैटरडे ठीक है, ये चीज मिसिंग थी, ये होगी ऑलराइट। सैटरडे नहीं होगा, सैटरडे नहीं होगा, ये सैटरडे नहीं होगा, संडे होगा, क्या होगा संडे होगा, क्या होगा संडे ठीक है, तो संडे का कोई इशू नहीं है इससे ठीक, संडे ऑलराइट, क्योंकि सेकंड का आपका क्या पड़ेगा संडे पड़ेगा ठीक है, तो 25 को भी संडे होगा। आप देखते हैं आपका मैट्रिक मंडे ठीक है, वैसे मैट्रिक मंडे पूछते नहीं है बट नोबडी नोज ठीक है, किसी को नहीं पता कि क्या पूछ लिया जाए आपसे। वॉट आर द डिटेल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सी डिटेल चाहिए होती हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है अपीयरेंस एंड एज, क्या डालना है आपको अपीयरेंस एंड एज डालना है ठीक है, मार्कर में चेंज कर दूंगा, देखिए मैट्री मॉडल एम ए टी आर आई एम एन आई ठीक है, मैट्रिमोनियल यानी अलायंस, ए डबल आई ए एन सी, ये ऐसे फ्यूचर है इसका, ए डबल आई ए एन सी यानी संबंध देखना चाहते हैं, यानी ये होता है वैवाहिक ठीक है, वैवाहिक संबंध ठीक है, विवाह से संबंधित या शादी विवाह करके आता है हिंदी न्यूज पेपर में ऑल राइट। तो देखिए अब डिटेल्स क्या क्या चाहिए, अपीयरेंस एंड एज सबसे पहले, एज होगी ठीक है, अगला क्या चाहिए आपको, अगला है आपका एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ठीक है, एजुकेशनल और
क्वालिफिकेशन ठीक है। सर्विस प्रोफेशन इनकम ठीक है, क्या सर्विस करता है ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेशन देन इनकम ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद में ये किसकी है, ये उस बंदे की, जो बंदा क्या कर रहा है अलायंस सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है अलायंस सर्च कर रहा है ठीक है, मैच सर्च कर रहा है ठीक है, यानी अपने शादी के लिए सर्च कर रहा है ठीक है, पार्टनर उसके लिए एज हाइट कॉम्प्लेक्शन क्या चीज है, ये तो हो गया किसका, जो बंदा सर्च कर रहा है ठीक है, उसके ये सारे तीनों की तीनों तो ठीक ही होगी। अब जो आएगी उसकी एज हाइट क्या चाहता है और कॉम्प्लेक्शन कैसा चाहता है ठीक है, ये सारी चीजें ये किसकी आ गई, अब ये उसकी आ गई सामने वाले की, जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं ठीक है। अब आपको देखें कास्ट, सब कास्ट रीजन क्या, कौन सी कास्ट की लोगे, रिलीजन कौन सा लोगे, कुछ लोग होते हैं जो नो कास्ट में बारे में बिलीव करते हैं, कुछ लोग जो इन सारी चीजों में क्या करते हैं बिलीव करते हैं ठीक है। क्वालिटी शॉर्ट इन पार्टनर क्वालिटी शॉर्ट एंड पार्टनर, ईमेल एड्रेस फोन नंबर ठीक है, राइट एंड विद बॉक्स नंबर ठीक है, ऑफ द डेली ऑप्शन ठीक है, मेंशन राइट वांटेड और ये तो टाइटल है ठीक है, यानी वो तो स्टार्टिंग में ही आएगा ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे आप जब शुरू करेंगे ना तो वो होगा आपका वांटेड ब्राइड ठीक है, या वांटेड ग्रूम इस तरीके से आपका ब्राइड होगी या फिर ग्रूम ठीक है। तो अब देख लीजिए अपीयरेंस एंड एज आ जाएगी इसके बाद में ठीक है, एजुकेशनल एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी ठीक है, सर्विस प्रोफेशन इनकम आ जाएगी आपकी ठीक है, क्या करते हो क्या एज हाइट कॉम्प्लेक्शन ठीक है, एज हाइट कॉम्प्लेक्शन ये है ना, इस चीज को आप ये कह सकते हैं कि इसको आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं ठीक है, यहाँ अपीयरेंस के साथ साथ में एज तो आई गई है ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एज हाइट और कॉम्प्लेक्शन इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, इसमें ये पूछा गया है किसके लिए कि जो पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं ठीक है, एज कैसी कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए उसकी, और कॉम्प्लेक्शन उसका कैसा होना चाहिए, अब कास्ट क्या होनी चाहिए, सब कास्ट क्या होनी चाहिए ठीक है, रिलीजन क्या होना चाहिए और उसकी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए ठीक है, पार्टनर की जो पार्टनर आप सर्च कर रहे हैं ठीक है, ईमेल एड्रेस फोन नंबर ठीक। तो अब देखिए हम बना के देखते हैं ऑलराइट। तो सबसे पहले हम हेडिंग से ही शुरू करते हैं, देखिए सपोज करो हम कर रहे हैं ब्राइड वांटेड ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए मैंने बताया था टाइटल आ गया, टाइटल के बाद में आप क्या करोगे अपना अपीयरेंस एज ठीक है कॉम्प्लेक्शन वगैरह डिस्क्राइब करोगे, तो देखिए 25 ईयर 5 फीट 7 इंच हेयर हैंडसम अग्रवाल बॉय वर्किंग इन भेल सैलरी 1 लाख पर मंथ ऑलराइट, सिक्स
bride seeks a slim, trim, fair complexion girl from any Agrawal family. All right. See, a 25 foot 7 inch fair handsome Agrawal boy working in Bhel, salary 1 lakh per month, seeks a slim trim fair complexion girl from Agrawal family. Any other? ठीक है, from Agrawal family. All right. Agrawal family होगा. Agrawal family के बाद में आप क्या-क्या चीज बच गई आपकी? अब इसे नीचे डाल दीजिए. Suitable match. ठीक है? क्या रखना? Suitable match can contact. क्या कर सकता है? Contact. Email डाल दें यहाँ पर. ठीक है, email डाल दीजिए यहाँ पर. Rajneesh Agrawal at the rate 335 at the rate gmail.com. ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए. ठीक, ये आपका क्या बन गया? मैट्रिमोनियल बन गया. ठीक है, तो अपना बंद कर देना. इस और में स्लिम ट्रिम के बाद में आप क्या मेंशन करोगे इसमें? इसमें एजुकेशन छूट गई है. क्या चीज छूट गई है? एजुकेशन छूट गई. ठीक है, कॉम्प्लेक्शन गर्ल एजुकेशन डाल. ठीक है, देखो यार, देखो कर देता हूं. ठीक, completed master degree in engineering, in civil engineering. ठीक है, seeks a slim trim fair complexion, completed master degree in civil engineering. ठीक है, from Agrawal community. कहां से? Agrawal community. ठीक है, क्यों suitable match and contact email. अब सारी चीजें आ गई, यहाँ पर कमा लगा दीजिए. ठीक है, यहाँ पर कमा लगा दीजिए. तो इस तरीके से आप मैट्रिमोनियल का बना दीजिए. ऑलराइट, एक आधा और बच गया, एजुकेशन वाला और देख लीजिए. ठीक है, मेन यही है जो पूछे जाते हैं, एजुकेशनल वाला देखते हैं. चलो,
एजुकेशन में डिटेल्स क्या क्या होती है? ठीक है, देखिए क्या चाहिए, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, एलिजिबिलिटी एंड फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी एंड फी स्ट्रक्चर, अगला है आपका जॉब प्रोस्पेक्टस, प्लेसमेंट क्या क्या है, ठीक है, अगला क्या है, एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट डालो अवेलेबल, क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये बेसिकली कॉलेजेस वगैरह करते हैं, ठीक है, कोचिंग वगैरह के लिए, और डिस्काउंट ऑफर क्या क्या डिस्काउंट दे रहे हैं किसको, और ठीक है, अगला क्या है, एड्रेस, क्या है, एड्रेस एंड ठीक है, ये डिटेल्स चाहिए आपको, ठीक, अब देखिए मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, नोट कर लो इनको आप फटाफट से, देखिए फाइन आर्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेस एट रूप कुमार इंस्टीट्यूट, देखिए फाइन आर्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फाइन आर्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेस एट रूप कुमार इंस्टीट्यूट, रूप कुमार इंस्टीट्यूट है, व्हाट इज इट, रूप कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है, अब यहां पर क्या डालेंगे, यहां पर डाल लिमिटेड सीट का, लिमिटेड सीट, ठीक है, ऐसे ही दिया, ठीक है, अब यहां पर डालना है इंटरेस्टेड कैंडिडेट मेल कॉन्टैक्ट, क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो गया,
एजुकेशनल होंगे, ठीक है, इस तरीके से। और भी एक तरीका है जो हेडिंग डाल के बनता है, ठीक है, वो भी देखना चाहो तो वो भी देख लो, ठीक है। अभी वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, उसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस में करवाते हैं। ऑलराइट, अब आपका क्या बच गया, अपील वगैरह देखनी है तो देख लो, बाकी खास नहीं है, ठीक है, छोड़ दो इनको। अब देखेंगे हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, क्या देखेंगे, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कॉमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर और डिस्प्ले एड्स आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑन टीवी। ठीक है, टीवी पर भी आते हैं आजकल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर एस्टेब्लिशमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं, फॉर द पब्लिसिटी एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, किसके लिए होते हैं, किसके द्वारा दिया जाता है, देखो भाई, लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट्स बाय मैन्युफैक्चरर एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट और क्या, एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या थी, ठीक, फॉर द पब्लिसिटी एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, के लिए फॉर द पब्लिसिटी एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, सर्विस और ईमेल, ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस एनी साइज के हो सकते हैं, एंड कलर साइज शेप एंड कलर, ठीक है, दे मेक गुड यूज ऑफ विजुअल्स लाइक स्केचेस, दे मेक गुड यूज ऑफ इमेजेस एंड डिजाइन, ठीक है, विजुअल्स लाइक स्केचेस
ड्राइंग्स डिजाइन ठीक है एंड फॉर्म्स ठीक है फॉर्म्स भी कैसे होते हैं अट्रैक्टिव से होते हैं ठीक है. The aim of display advertisement is to spread awareness. यानी इनका aim क्या होता है? देखिए, the aim of display ads is to spread awareness. ठीक है? Make appeals. ठीक है मेक अपील्स अनाउंस सेल्स डिस्काउंट ठीक है इन्फॉर्म अबाउट इनॉग्रेशन एक्सेट्रा डिस्प्ले एडवर्टाइज ठीक है. डिस्प्ले एड्स कैन बी ऑफ एनी साइज शेप एंड कलर. दे मेक गुड यूज ऑफ विजुअल्स लाइक स्केचेस ड्राइंग्स डिजाइंस एंड फॉर्म्स ठीक है. द एम ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस मेक अपील्स ठीक है अनाउंस सेल्स और सेल के बाद क्या है डिस्काउंट्स और ये क्या है इनफॉर्म अबाउट इनॉग्रेशन एटसेट्रा. ऑल राइट तो ये चीज है जो आपको डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करनी है ठीक है. अब देखो मैं आपको एक करके दिखाता हूं ठीक है. ये यहां पर दोनों को एक ही करो ठीक है. सेल डिस्काउंट सेल चल रही है उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है उन चीजों के बारे में ये है ठीक है. यानी सेल डिस्काउंट का अनाउंस करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं ठीक है. अब देखते हैं फीचर्स ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या क्या फीचर्स होते हैं देखिए. डिजाइंड फॉर कॉमर्शियल पर्पज features of display ads ठीक है. तो देखिए डिजाइन फॉर कॉमर्शियल पर्पज पहला है ठीक. नंबर टू है आपका ऑक्यूपाई मोर स्पेस मोर एक्सपेंसिव ठीक है. ठीक है मोर एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि चार्ज बहुत लगता है आपको बताना चाहिए ठीक है. इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ठीक है. नंबर थर्ड है आपका विजुअली अट्रैक्टिव कैसे होते हैं विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं ठीक है. अगला है स्लोगन्स वंडरफुली स्लोगन्स वर्ड प्ले मेटाफर्स सिमिलीज ठीक है. स्लोगन्स वर्ड प्ले
ठीक है मेटा होगा टोकन फॉर प्ले मेटा होगा सिमिली प्रॉपरली यूज्ड ठीक है प्रॉपरली यूज्ड होते हैं नंबर पांच अगला है प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग ठीक है लैंग्वेज कलर एंड लैंग्वेज कलरफुल एंड यूजेज कैसे होती है कलरफुल एंड यूजेज ठीक है अगला है आपका प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग यानी स्पेस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होता है ठीक है कोई खास नहीं इसको रहने दो वो तो बता ही दिया पहले बता चुके हैं कि किसी भी साइज के हो सकते हैं किसी भी शेप के हो सकते हैं ठीक है अब देखिए एसेंशियल डिटेल्स क्या क्या होती हैं देखिए इसमें एसेंशियल डिटेल्स एसेंशियल डिटेल्स है आपकी सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है नेम ऑफ द कंपनी इंस्टीट्यूट ठीक है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अगला आपका डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट डिटेल्स द प्रोडक्ट ठीक है अगला है आपका स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट डिफाइनिंग लास्ट बट नॉट लीस्ट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंपनी ठीक है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट जो भी है ठीक है ये हो गया आपका डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट ठीक है आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है तो इट्स इनफ फॉर द डे कर दें क्या इनफ ठीक है सो इट्स इनफ फॉर द डे बेटा ठीक है एग्जाम्पल हम इसका नेक्स्ट वीडियो बना देंगे ठीक है तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय हैव अ नाइस डे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो बाय